किसान भाई नमस्कार। आपको मैं 10-35 टनर 40 एचपी का इसके बारे में आपको जानकारी फुल देना चाहता हूँ। मैं ये कितने सीसी का इंजन है ये भी बताना चाहता हूँ आपको मैं, और इसमें क्या क्या फ्यूचर है इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको मैं। हम इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले इस ट्रैक्टर का चारों तरफ से आपको बताता हूँ ट्रैक्टर को मैं। देखिए आप इसको, देखने का बहुत अच्छा लुक है इस ट्रैक्टर का। देखिए आप, बहुत शानदार लुक है ट्रैक्टर का ये देखने का। देखिए आप इसको, बढ़िया लुक दे रखा है इस ट्रैक्टर का। देखिए आप इसको, देखिए आप इसका लुक, इसका बहुत बढ़िया लुक दे रखा है इसके अंदर। अब आपको मैं इस ट्रैक्टर की हर चीज़ की जानकारी दूंगा आपको मैं। ट्रैक्टर कितने एचपी का है और कितने सीसी का है। ये 10-35 ट्रैक्टर है टनर 40 एचपी का, और आपको इसकी सीसी बताता हूँ इंजन की मैं। इसकी सीसी दे रखी है S 333-7 सीसी इसकी, 5 टन 2। S 338-1 इसकी ट्रैक्टर की 10-35 टनर है। अपन धड़ी की बात करें, धड़ी इसकी सीधी दे रखी है। अगले बम्पर की बात करें अपनों ने, 80 किलो का बम्पर है इसका, बहुत मजबूती का बम्पर है। इसकी अगली हेडलाइट गोल दी है, अच्छी लाइट है, पावरफुल, और आगे का शो भी अच्छा है इसे देखने का। इसका अगला टायर है 616 का, गुडेर टायर है, गुडेर कंपनी के। इसके पिछले टायर की बात करें अपन, ये भी गुडेर टायर है, 13-6-28 का टायर है पिछला वाला बड़ा। सीट की बात करें अपन, सीट इसमें एडजस्टेबल दे रखी है, आगे पीछे हो सकती है, इसमें एडजस्टेबल का दे रखा है सीट के लिए। स्ट्रिंग चक्रे की बात करें अपन तो मोटा वाला चक्रा दिया है इसके अंदर, स्ट्रिंग इसके अंदर सादी है, और इसका प्लेटफार्म भी अच्छा दिया है चढ़ने के लिए। इसका क्लच भी मारुति क्लच दिया ही है, ब्रेक तरफ का प्लेटफार्म भी अच्छा दिया है प्रधान, और ब्रेक भी मारुति टाइप दिया है इसके। इसमें साइड गियर भी दिया है, इसमें हाई और लो गियर भी दिया है इसके अंदर साइड वाला। इसमें वाल सिस्टम भी दिया है, हाइड्रोलिक ऊपर करके वाल को आप टाइट कर दोगे लिफ्ट नीचे नहीं आएगी इसकी, आप लीवर नीचे उतार सकते हो बोले लिफ्ट नीचे नहीं आएगी वाल टाइट करे बाद, और वाल ढीला करोगे उसके बाद लिफ्ट आपकी नीचे आएगी। वाल सिस्टम भी इसमें कंपनी ने दिया है, और हाइड्रोलिक का इंजेक्शन अपता है साइड वाली प्लेट से, और ये लीवर है पीसी और ये डीसी, दोनों लीवर है हाइड्रोलिक के लिए पीसी डीसी। इसमें दोनों तरफ आयल ब्रेक भी दिए है, आयल ब्रेक है, पावर ब्रेक है इसके अंदर, और शानदार ब्रेक दिए कंपनी ने, दोनों तरफ आयल और पावर ब्रेक है ये। और इसमें ट्राली का ठिया लग रहा है एडजस्टेबल, ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप इसको, ये ऊपर नीचे एडजस्टेबल दे रखा है इसके अंदर, ठिए को ऊपर नीचे ले सकते हो आप ऊपर नीचे। इसमें टूल बॉक्स भी दिया है बड़ा वाला, इसमें पानी की बॉटल भी दी है बॉटल रखने के लिए साइड में सीट के पीछे। ये पीछे वाली हेडलाइट भी दी है इसमें पीछे देखने के लिए, एक साइड
रेस गार्ड भी अच्छा दिया है इसमें बैठने के लिए, इसमें साइड गिलास भी दिया है बेहतरीन तरीके से दिया इसके अंदर, बड़ा साइड गिलास है ये। अपन बात करें बड़े क्लच में भी है ये, और बड़ा क्लच भी है और डबल क्लच प्लेट में भी है ये, और इंजन का ऑयल इस जगह से नपेगा, ये इंजन गेज है। पंप का ऑयल यहाँ से डलेगा इस चोंगे में से, इंजन का ऑयल यहाँ से डलेगा। ये वाटर सेपरेटर फिल्टर है, 3 दिन में इसको खोलना चाहिए, यहाँ से पानी हो तो पानी निकल जाए, वापस टाइट कर देना चाहिए। इसका बैटरी का पानी दिखाएंगे आपको, बैटरी का पानी अधिक कितना रहना चाहिए। इसमें बैटरी यहाँ पे लग रही है, ये बैटरी है, इसकी बैटरी लग रही है। बैटरी का पानी रहना चाहिए 1 इंची करीब खाली रहना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ निशान से, यहाँ से 1 इंची अधिक खाली रहना चाहिए। बैटरी में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, 15 दिन में बैटरी का पानी चेक होना चाहिए। और इसके डीजल टैंक की बात करें अपन, 45 लीटर का डीजल टैंक है इसका। इसके रेडिएटर की बात करें अपन, रेडिएटर बहुत शानदार दिया है तापड़ वाला, इसमें हैंड ब्रेक भी दिया है ये, इसमें इंजन का फैन भी बहुत बड़ा दिया है हवा के लिए, रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छा फैन दिया है बड़ा। ट्रैक्टर देखने का ट्रैक्टर का लुक बहुत अच्छा है, देखिए आप, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत शानदार ट्रैक्टर है। ये आइल ब्रेक में है ट्रैक्टर ये। इस ट्रैक्टर में क्या क्या फंक्शन मिलेगा आपको, धड़ी आपको सीधी मिल जाएगी, डबल क्लच में मिल जाएगा, और आइल ब्रेक में मिल जाएगा, साइड गियर में मिल जाएगा, डीजल टैंक 45 लीटर की मिल जाएगी। बहुत शानदार ट्रैक्टर है, आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी हमने बताई दी है। कमेंट करना आप, और लाइक करना, और सब्सक्राइब करना, और आगे बढ़ाना हमारी वीडियो को। नमस्कार किसान भाई।